भाई सरप्राइज आप यकीन माने इतना अच्छा लग रहा है आपको इस तरह देखकर। आपको भी मुबारक। आओ शायद कैसे जल्दी एक बेगुनाह लड़की मारी गई उसके बाप ने उल्टा 5 लाख रुपए का जुर्माना दिया। भाई जल्दी 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 2 मिनट सच का साथ देने वाली मेरी बीवी से उसका बच्चा छीन लिया गया पागल करार दे दिया गया। किसी के साथ इतना कुछ हुआ लेकिन आप दोनों को मुबारक हो। कैसे लोग हैं आप? हमारे माँ बाप ने तो हमारा बहुत अच्छा बॉटअप किया था। उनके पीछे मन्नत नहीं पड़ी थी ना। सच बोलने का सबक भी दिया था उन्होंने। उन बेचारों ने तो बहुत अच्छा बॉटअप किया था। और आप लोग किस रास्ते पे चल पड़े भाई? लेकिन गलतियां करने वाले लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं करते और फिर उस बर्बादी का जश्न नहीं मनाते। क्यों ना मनाए आज? आजाद हुआ हूं मैं। सारी बिजनेस कम्युनिटी में आज रात पार्टी की दावत कही है। जैसे आप कहिए भाई बाइज्जत परी करार हुआ सचमुच में नहीं हुआ झूठ मूठ में हुआ और आपने झूठ बोल के इससे परी करवाया। तो क्या करता अपने भाई को जेल की चक्की पीसने देता? ये नहीं देख सकता मैं। आपको जरा सा भी एहसास नहीं है कि इसने एक जुर्म को छुपाने के लिए कितने जुर्म किए? एक जुर्म इसकी जवानी इसकी उम्र में से करवाया बाकी सारे जुर्म आपने से करवाए। हो गई तुम्हारी बात निकाल ली दिल की भड़ास। अब आओ अंदर चलकर सुकून से बैठते और बात आ जाए अंदर बैठ के थोड़े दिन मन्नत को वहां रहने दो बाद में मैं खुद निकाल कर ले आऊं। आप क्यों निकलवाएंगे उसे? मैं खुद ये काम कर लूंगा। आपने जितना गिरना था आप गिर चुके हैं। अब आप आसमान पर भी चले जाएं तो मेरी नजरों में नहीं उठ सकते। शायान मेरी जान मेरी पोजीशन समझो। मैं आपकी जान नहीं हूं भाई और अब मैं आपका कुछ भी नहीं। मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी बीवी कितनी सच्ची है। मेरा इस दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं बचा। भाइयों को तो पहले मार दिया था उन्होंने। शायद